बारहसिंगा खड़ा है, ये इधर से कूद रहा है पहाड़ में से, उधर भेड़ भेड़िया चल रहा है, रीछ चल रहा है, भी कुछ है। नहीं तो कोई मछली नहीं लग रही। ये दरिंदा जो है पानी पीने आ रहा है, मछली ऊपर पौधों की लुक, जहाज भी उतर रहा है जो पानी पर उतरने वाला होता है। आप देख रहे हैं एक्टिविटी, ये स्टोर है भाई अंदर ना, फिशिंग गेयर वगैरह सब मिलता है। स्टोर ही ऐसा बनाया हुआ जैसे जंगल का माहौल, उधर दरख्त पौधे, उधर मछलियां आप देख रहे पीछे। ये बारहसिंगा खड़ा है, ये इधर से कूद रहा है पहाड़ में से, उधर भेड़ भेड़िया चल रहा है, रीछ चल रहा है, भी कुछ है। नहीं तो कोई मछली नहीं लग रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की इत्तला आपको बरवक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के अल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए। आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। एक मिनट, जैसे ये दरिंदा जो है पानी पीने आ रहा है, मछली ऊपर पौधों की लुक, जहाज भी उतर रहा है जो पानी पर उतरने वाला होता है। वो चर्च सा बनाया हुआ है उधर, इसका इम्प्रेशन देने की कोशिश की है। दरख्त वुड्स में घर हैं, कपड़े सूख रहे हैं, ना प्यारा नज़ारा है। ये है भाई कैनेडा में फिशिंग स्टोर। देख रहे जहाज भी वही पानी बदलने वाला होता है, ये पूरी ऊपर ऊपर सब ही बनाया हुआ, ये बंदा सा बनाया हुआ जो परिंदों को भगाने के लिए होता है ना। ये पता नहीं खाली विक्षर की है, दरख्त की लुक दी है ये शीशे के एक्वेरियम के साथ। ये देख, ये बो ले जाना, ये देख बो खरीद के ले जाना। मैं कह रहा हूँ ऊपर देखो, हाँ वही लुक बनाइए ना, वही दिखा रहा हूँ। ये एक है कैनेडा में फिशिंग स्टोर, और कुछ होता है तो थोड़ा सा दिखाता हूँ। वहाँ भी दरिंदे वगैरह खड़े हैं, ये वुड्स में घर बनाया है, फर्स्ट फ्लोर बनाया है। ये देखो उसके अंदर कोई ब्लैंकेट, गर्म मौसम से आउटडोर चीज़ें, वो बड़े बड़े रीछ, हाथी, भालू, बनमानस, बनमानस ना बुल, बुल वो सर, हाँ हाँ बुल, काले सिंह बने, मैं समझे बनमानस बनाए, मैंने कहा सिंह कैसे आ गया बनमानस। ये हाइकिंग वगैरह का शूज ले लो, बहुत ज़्यादा प्राइस है भाई। ये मछली वो पानी में डाइव कर रही है, ये हमारे जूते हैं वाटर प्रूफ जूते होंगे, चप्पलें होंगे। भेड़ और भेड़िया भी खड़ा है, नहीं भेड़िया खड़ा है, लोमड़ी खड़ी, पता नहीं क्या खड़ा है। यहाँ पे चप्पल मिल रही है 12M साइज, पता नहीं एम चप्पल का नाम है। चप्पल पे दरख्त पौधे बने हुए, इससे शिकारी चप्पल हो जाती है और कीमत भी शायद बढ़ जाती है। कितनी प्यारी सीनरी है, वहाँ पे भी देखो
परिंदे जानवर छत के ऊपर बनाने की कोशिश की है। आर्चरी प्रो शॉप अर्थगोल, आर्चरी शॉप लिखा हुआ है, अर्थगोल अर्थगोल का सामान यहाँ मिलता है, अर्थगोल का सामान यहाँ मिलता है लिखा हुआ ना आर्चरी शूटिंग का। अभी ये बोले जा रहा था ना बंदा, ये रहे ना वो सारे लगे हैं पीछे, तीर भी लो शूटिंग शुरू कर दो परिंदों की दरिंदों की। ये वोल्ट बने ही ऐसे, वो देख शिकारी बैठा हुआ, वो देख इसी तरह दरख्तों पे चढ़ के बैठते हैं। ये देखो आप, ये बंदा क्या कर रहा है, ये शिकार शिकार के इंतजार में बैठा हुआ है ना। वाह फिर बारह सिंगे बकरे एल्क, एल्क का बारह सिंगे अलग होता है, वही है बारह सिंगे एल्क तो बोलते हैं। अच्छा हाँ इंग्लिश में बोलते होंगे हमें चित्र याद नहीं है सारा। ये छुरी चाकू ले लो मुर्गी बकरा हलाल करने के लिए, मछली काटने के लिए, मछली के डोर का सामान, एक कैमोफ्लाज बैग, इससे आप ज़्यादा बेहतर शिकारी लगोगे। और ये आपने अपनी मछली अगर सेफ रखनी हो, ये वो राइफल्स रखने के लिए, नहीं नहीं मछली सेफ रखने के लिए, नहीं नहीं वो मछली सेफ रखने के लिए। देखो ये कैंप है बिल्कुल, ताकि पता ना लगे दरिंदे को कि आप बैठे हुए उधर हमें चीज भाड़ा ही है। ये क्लोथिंग पहन के यार मैं एक तस्वीर लगाऊंगा, उसका फेस छुपा दूंगा, मेरे जानने वाले हैं। मैंने बताया था ना कितने बारह सिंगे मारे थे, हिरन मारे थे, बताई थी वो, मेरे पास तस्वीर हुई ना मैं लगाऊंगा ऐड कर दूंगा इसमें। परिंदे परिंदे बत्तखें बत्तखें उड़ रही, बत्तखें बत्तखें उड़ रही। तो अंदाज़ लगाओ ये सारा जो है ना स्टोर है अंदर ना, इसके नाम टेलर नेचुरल लुक देने की कोशिश की। रियल स्किन होगी इसका, पैर बहुत मुमकिन है स्टफ किया हुआ। हाँ वो मुझे यही लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ स्टिफिंग परमिटेड है या नहीं है, होगी परमिटेड होगी। देखो ना बैठा हुआ इसके पॉन पैर जो भी होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, खुद बैठा हुआ है। जली हुई झाड़ियाँ दरख्त लकड़ी, ये वाला तो जम कर रहा है, ये शिकारी इंतजार में बैठा हुआ है, इंतजार में ही रह जाए। हाँ उसने फायर किया समझ में, देख रहा था और इसने गोली की आवाज़ सुनी भागने शुरू किया। सीजन ऑल है ना, ऑन हो गया ना फिर। हाँ कितनी प्यारी फॉक्स, अभी मैंने रियल लाइफ में भी रात को यहाँ फॉक्स देखी, मैं डर गया यार, इतनी प्यारी। म्याऊ वो घूमना बेगा, हमारे कैनेडा के झंडे लगे हुए थे, छत भी लाल है लाइटों की वजह से पता नहीं लग रही। वो उधर उन्होंने फायर प्लेस बनाया हुआ है, बनाया हुआ है या इमिटेशन है मुझे नहीं पता। ऊपर भी किसी परिंदे का सर वगैरह है, उधर वो बंदा खड़ा हुआ है, इधर भी ये कूदने वाला हो रहा है मेरे पास में। सारा वुड लकड़ी से बनाया हुआ है, वो काबा हेड लगा के बंदा खड़ा हुआ कूद जाएगा भी। ये आपकी पोर्टेबल बैठने की चेयर्स, खाने के स्टोव, लकड़ी जला लो कोयला जला लो, यहाँ पे कोयला आता है जो ना धुआं नहीं देता, ठीक है। किस तरह बनाते हैं उसको यार, बाकी एक्चुअल फायरवुड भी होती है या कोयला भी होता है यार, उसका मैं बता रहा था ऐसे अपने रिकॉर्डिंग के लिए। वो जो कोयला आता है जो धुआं नहीं देता, लाल लाल होकर चलता रहता है ना, क्या चीज़ होती है यार, नाम है पता नहीं क्या चीज़ है, वो सारा धुआं नहीं देता, आग नहीं पकड़ता, सुखल सुलगता रहता है गोल गोल। पाकिस्तान में वो कंक्रीट के पत्थर होते हैं फर्श वगैरह में डलते हैं, सीमेंट के से कलर के, वो वाले नहीं, वो जो क्रश होता है घर के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है वो वाला नहीं, उस तरह के गोल गोल होते हैं इतने बड़े, और वो कोयला होता है। अभी यहाँ पे गन वगैरह पे भी पाबंदी लग रही है, नए लाइसेंस नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, वो तो दिल्ली किसी में जाना पड़ेगा। ये गन होल्डर ही होगा देख रहा, गन या बोल्डर ही होगा। मॉल चेकआउट्स, वाइट रिवर फ्लाई शॉप,
ये वही जो इतने दिन मैंने शीशे का दिखाया वो वहाँ से। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मत करना, मत भूलना भाई। नहीं भी पसंद आए तब भी लाइक कर देना, क्योंकि आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। यही होता है जब खड़ा होता है वो। अबे भाई क्यों जा रहा है? बास प्रो शॉप्स, बास तो ये मच्छी होती है ना, ये बनी हुई है ना, सही बता रहा हूँ। अबे भाई अबे ऐसे ही बाकी में आउटडोर वर्ल्ड बास प्रो शॉप यहाँ पे था।